सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एसडीएलसी भी कहते हैं इसे इज द प्रोसेस विच इज फॉलोड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हम इस सिस्टम को यूज करते हैं. जी, तो इस सिस्टम को कुछ स्टेजेस हैं, इसकी टोटल 6 स्टेजेस हैं, मोस्टली जो है 5 होती हैं और 6 भी हो सकती हैं. और इस सिस्टम को हम अपने तौर पर चेंज भी कर सकते हैं, मींस कि जो इसके मेन स्टेजेस है वो तो यही रहेंगी, इनके अंदर जो फर्दर स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस जो हैं, उनको हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. तो वो भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि उनको कैसे हमें चेंज करना है. तो पहले मैं रीड करता हूँ. Software development life cycle or SDLC is the process which is followed to develop a software product. It is a structured way of building software applications. Software applications banane ke liye hum isko use karte hain. Most organizations have a process in place for developing software. This process may at times be customized based on the organization's requirements. Organization apni requirements ko dekhte hue अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकती है. एंड फ्रेमवर्क फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज है हमारे पास, टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस. स्टेज 1, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो पहली स्टेज हमारे पास है प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब हमने बनाना है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं. अब हम देखते हैं प्लानिंग और रिक्वायरमेंट क्या है. अगर मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरे पास कोई पर्सन आके कहता है कि हमें सॉफ्टवेयर बना दें, फॉर एग्जांपल एक जनरल स्टोर वाला है या मेडिकल स्टोर वाला है, वो पर्सन आके मुझे कहता है कि हमें अपने स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं उसे पूछूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए. तो वो मुझे बताएगा जी कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मेरा जो सारा स्टॉक है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी मैं एंटर कर सकूं, उनके मैं बार कोड्स लगा सकूं, जब मेरे पास कस्टमर कोई चीज बाय करने के लिए आए तो मैं उसका जो बार कोड है वो स्कैन करूं और मेरी सारी डिटेल्स जो है उस प्रोडक्ट की कंप्यूटर पे शो हो जाएं, उसकी अगर रिसीप्ट निकले और उसका जो जो चीजें मैंने सेल की हैं वो मेरी मतलब कि मेरी रोजाना की सेल्स, मंथली सेल्स मुझे पता हो, मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैंने परचेजेस क्या की हैं, मेरे स्टॉक में कितनी चीजें पड़ी हैं, तो ये वो सारी आपको रिक्वायरमेंट एक बता रहा है. तो या तो वो आपको ऑरली बता देगा या वो आपको रिटर्न बता देगा, लिख कर दे देगा कि ये मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए. तो सबसे बेहतरीन होता है रिटर्न रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑरली में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं या आप नोट कर लेते हैं, उसमें समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप कोई और चीज बना दें उसके बाद में कस्टमर कहे जी मैंने तो ये कहा ही नहीं था आपको, ठीक है. तो इसलिए रिटर्न चीज ने कस्टमर ने जो बोला है लिखा हुआ प्रूव हुआ आपके पास, कल को अगर वो कहे कि मैंने ये चीज आपको नहीं कही थी तो आप उसको दिखा सकें भी ये आपकी लिखी रिक्वायरमेंट हमने सेम चीज बनाई है. तो ये है उसकी रिक्वायरमेंट, देन हम उसके ऊपर करते हैं प्लानिंग उसकी. अच्छा, इसके अलावा जो तरीके हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग के, वो मॉक्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, लिंक्स होते हैं. मॉक्स में ये होता है कि वो किसी वेब ऐप के या किसी सॉफ्टवेयर के वो आपको पहले से स्क्रीनशॉट्स उसने लिए होते हैं तो वो हमें कहता है जी सेम इस तरह का बना दो, या किसी सॉफ्टवेयर का वो लिंक दे देता है या किसी वेबसाइट का, अगर वेबसाइट बनवानी है उसने तो उसका लिंक दे देता है, कहता है जिस तरह की ये वेबसाइट बनी हुई है, जैसे फेसबुक बनी हुई है, कहता है मुझे सेम इस तरह की वेबसाइट बना दो, ठीक है. तो वो लिंक्स या रेफरेंसेज होते हैं, मॉक्स होते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं जो हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए. देन जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर कर ली है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसमें से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके एनालिसिस करते हैं, जिनको हम कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस हैं जो एडमिन कंप्लीट कर सकता है, अकॉम्प्लिश कर सकता है, कौन से जो है वो उनके जो इम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, वो कर सकता है. तो वो सारी हम प्लानिंग्स करते हैं, कौन लॉग इन करेगा, किस किस को ये चीजें शो होनी चाहिए, सेल्स कौन देख सकता है, स्टॉक कौन देख सकता है, कौन इसको एडिट कर सकता है, तो वो सारी चीजें जो है वो एनालिसिस करते हैं उसके. तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ. रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज इन एसडीएलसी. इट इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम विद इनपुट्स फ्रॉम द कस्टमर. तो सबसे मेन फंडामेंटल स्टेज जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है,
जो सीनियर टीम मेंबर्स करते हैं और इनपुट्स लेते हैं कस्टमर से, कस्टमर से पूछते हैं कि क्या क्या चाहिए आपको। उसके अलावा इसके अंदर जो होते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केट सर्वेस एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू प्लान द बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच। तो बेसिक अप्रोच हमारी क्या होगी फिर वो इसी के ऊपर बेस करता है। और इसके अलावा कंडक्ट प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी इन द इकोनॉमिकल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एरियाज। इकोनॉमिकल एरियाज में उसको देखते हैं, ऑपरेशनल एरियाज में और टेक्निकल में कि ये जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं इनके ऊपर हम कितनी कॉस्ट आएगी हमारी, कैसे इनको हमने ऑपरेट करना है, इसमें टेक्निकल चीजें कौन कौन सी हैं। प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है हमने, और जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं उनको भी हमने सबको डिस्कस करना है। With the project is also done in the planning stage, the outcome of the technical feasibility study is to define the various technical approaches. So then, सारी चीजें analysis करने के बाद एक feasibility study के ऊपर आप एक feasibility report लिखते हैं। उस report में आपने बताया होता है कि आपकी cost क्या आएगी, आपको कितना time लगेगा इस project को बनाने में, इसके कितने modules होंगे और modules को हम parallel लेके चल सकते हैं या हमने series में लेकर चलना है इनको। ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हम बेसिकली SRS कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट का फ्लो, यूजर्स, एडमिन्स, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, क्या क्या चीजें परफॉर्म करेंगे, डिजाइन क्या होगा इसका, ये सारी चीजें हम SRS के अंदर एक्सप्लेन करते हैं वहां पर उस डॉक्यूमेंट के अंदर। कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा इस मॉड्यूल को, इतना टाइम लगेगा। वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर। तो जब हम डन कर लेते हैं सारी चीजें तो हम कस्टमर की अप्रूवल लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं और द मार्केट एनालिस्ट। दिस इज डन थ्रू एन SRS document which consists of all the product requirements to be designed and developed during the project life cycle. The project life cycle ke dauran jo bhi cheeze humne design karni hai, jo humne develop karni hai, wo sari cheeze iske andar likh dete hain, then usse hum approval lete hain customer se. Agar usne koi cheez change karwani hai to wahin par wo karwa le, baad mein fir hum usko change nahi kar sakte, theek hai. To ye hamari pehli stage hai. Dusri stage hamari start hogi. Pehli stage hamari जो है कोऑर्डिनेशन होती है कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ सबसे ज्यादा, उसी के साथ हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन उसे अप्रूवल लेते हैं। जैसे ही वो अप्रूव कर लेता है देन हमारा काम शुरू हो जाता है, हमारी जो टीम होती है वो टीम वर्क शुरू कर देती है। उसमें क्या होता है फिर जो SRS फाइनल हो चुका है उसके ऊपर हमने डिजाइन या आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर देना है। अब डिजाइन में क्या आएगा हमारे पास, सारी चीजें कि आपके जो फ्लो था जो हमने SRS के अंदर बताया है उसको फॉलो करते हुए पहले कौन सी चीज बनाएंगे। जैसा कि अगर कोई जनरल स्टोर का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको हमने पहली जो विंडो देनी है वो लॉगिन स्क्रीन देनी है। लॉगिन करेगा, अब लॉगिन के अंदर ऑप्शंस देनी है, यूजर होगा कि एडमिन होगा। लॉगिन करने के बाद उसको हमने जो स्क्रीन शो करवानी है उसका डिजाइन कैसा होगा। अगर तो उसको प्रोडक्ट शो करवानी है तो प्रोडक्ट्स होंगी वहां पर, प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, प्रोडक्ट एड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो एक पूरा डिजाइन बना होगा उसका, तो वो हमने डिजाइन बनाना है यूजुअली। अच्छा, SRS इज द रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट आर्किटेक्ट्स टू कम आउट विद द बेस्ट आर्किटेक्चर फॉर द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड। तो जो आर्किटेक्चर आपने बनाना है, डेवलप करना है, उसका बेस जो है वो SRS है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन SRS यूजुअली मोर देन वन डिजाइन अप्रोचेस। तो डिजाइन अप्रोचेस हम एक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक इस्तेमाल नहीं करते, तो क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें फ्यूचर में आकर कोई रिस्क वगैरह आ सकते हैं, तो उन रिस्क को भी हमने डिस्कस करना होता है, तो उसके हिसाब से फिर दो या तीन डिजाइन रख लेते हैं कि अगर एक डिजाइन हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो हम दूसरे को अल्टरनेट के तौर पर रख लें। और उस डिजाइन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, DDS, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। दिस DDS इज रिव्यूड बाय ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स एज रिस्क असेसमेंट, प्रोडक्ट रोबस्टेंस और डिजाइन मॉड्युलैरिटी, बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। द बेस्ट डिजाइन अप्रोच इज सिलेक्टेड फॉर द
प्रोडक्ट, तो जो बेस्ट डिजाइन होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट के लिए. A design approach clearly defines all the architectural modules of the product along with its communication and data flow representation. Architectural के जितने भी modules हैं उनको हम design में details से बयान करते हैं और उसके बाद जो flow है data representation का उसको detail में बताते हैं. Externally जो third party modules हैं अगर कोई हैं तो उसको हम detail में बताते हैं. The internal design of all modules of proposed architecture should be clearly defined with the minutest of the details in the यानी कि minor से minor detail जो है हमने वो सारी की सारी इसके अंदर explain करनी है. जब design हमारा complete हो गया उसके बाद उस design को follow करते हुए हमने implementation शुरू कर देनी है. इसको implementation भी कहते हैं, development भी कहते हैं, coding भी कहते हैं. यानी कि हमने सारी चीजें बना ली हैं, उसके बाद हमने उसके ऊपर काम शुरू कर देना है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बनाना शुरू कर देना है. इन दिस स्टेज एसडीएलसी ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स, ये एक्चुअल डेवलपमेंट उसकी जो स्टार्ट हो जाती है. प्रोडक्ट इज बिल्ड, द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड एज पर डीडीएस ड्यूरिंग दिस स्टेज. तो डीडीएस में डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें हमने एक्सप्लेन की हैं उन सब का हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं. अगर वो चीजें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है तो कोड लिखने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती. इफ द डिजाइन इज परफॉर्म्ड इन अ डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर कोड जनरेशन कैन बी अकम्प्लिश विदाउट मच हैसल. तो किसी भी प्रॉब्लम को रिस्क को देखते हुए हम उसको पहले से ही सॉल्व किया होता है, तो इसलिए कोड करने में उसको प्रोग्रामिंग करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है. अब प्रोग्रामिंग के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो जिस तरह का आपका सॉफ्टवेयर है आपने उसी तरह के टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं. अगर वेबसाइट है तो पीएचपी या ASP.NET, अगर आपके पास कोई डिवाइसेस हैं तो जावा या C++, पास्कल, या आपने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये आप यूज करते हैं. डेवलपर्स मस्ट फॉलो द कोडिंग गाइडलाइंस डिफाइंड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, डीबगर्स. तो इन तीनों में से ये जो कंपाइलर्स हैं ये आपका जो प्रोग्राम है ये हाई लेवल से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं एट वंस, और इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन आपका जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में. डीबगर्स जो होते हैं ये एरर्स फाइंड करते हैं और उनको फिक्स करते हैं. आर यूज टू जनरेट द कोड डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++, पास्कल, जावा एंड PHP आर यूज्ड फॉर कोडिंग. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज चूजन विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड. उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग है. टेस्टिंग में हमारे पास काफी सारी टेस्टिंग्स होती हैं. यूनिट टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है. तो यूनिट टेस्टिंग में आपका जो पूरा सिस्टम है उसको आप एकदम से टेस्ट कर लेते हैं. और टेस्टिंग क्या है बेसिकली, आपने जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, उसके बाद आप टेस्ट करते हैं उसका कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और चेक क्या करना है, हमने रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है. जो जो रिक्वायरमेंट्स दी गई थी लिखी हुई हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फंक्शनल हैं. बस ये टेस्ट करना होता है हमने. एक्स्ट्रा चीजें जो हैं कलर शलर थीम्स इस तरह की चीजें टेस्ट में नहीं आती. तो फिर हम टेस्टिंग करते हैं. टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग जो होती है उसको हम कहते हैं कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर या कंप्लीट प्रोजेक्ट को एकदम से हम टेस्ट कर लेते हैं, उसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं. अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो प्रोग्रामर जो होते हैं वो बेसिकली कर रहे होते हैं उसी टाइम बैठे हुए ना, वो कोड लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर्स तो नहीं है, वो अल्फा टेस्टिंग है. और जो बीटा टेस्टिंग है हमारे पास, उसमें हम प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या कस्टमर्स जो हैं उनको दे देते हैं कि आप इनको यूज करके देखें, आपको कोई एरर्स मिलते हैं तो हमें फीडबैक दें, तो वो हमारे पास बीटा टेस्टिंग होती है. या आपने अक्सर देखा होगा बीटा वर्जन वगैरह आते हैं सॉफ्टवेयर के. उसके बाद हमारे पास है डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जिनके लिए प्रोजेक्ट हमने बनाया है जाके हम उनको हैंडओवर कर देते हैं, उनके सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं और वर्किंग स्टार्ट हो जाती है. वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड एंड रेडी टू बी डिप्लॉयड इट इज रिलीज्ड फॉर्मली इन द अप्रोप्रिएट मार्केट. समटाइम्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैपेंस इन स्टेजेस एज पर द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन.
the product may first be released in a limited segments. तो अगर प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल्स बनाए हैं, स्टेजेस में आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनके सेगमेंट्स जो हैं एक दफा लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सेगमेंट जो उनको दे देते हैं टेस्ट करने के लिए, और उनसे फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करवाते हैं. वो यूजर जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो देन हम उसको फर्दर जो है मॉड्यूल्स जो है उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इसको टेस्ट कर लें. या फिर ये होता है कि पूरा प्रोजेक्ट बन गया है, सारे का सारा उसको दे देते हैं, आप चेक कर लें इसको. जब वो चेक कर लेता है फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं. लास्ट स्टेज हमारे पास है मेंटेनेंस. इसमें आपकी जो मेंटेनेंस है, बाद में एक महीने बाद, दो महीने बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है. जब सिस्टम चलते हैं तो उनमें कहीं कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं, तो देन उनको फिर हम रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं. समटाइम होता है कोई नया एम्प्लॉई आ गया उनके पास, उसको सिस्टम यूज नहीं करना या उसकी वजह से कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, तो उसको फिर चेंज करने के लिए, या उनका सिस्टम जो है उसमें वायरस आ गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमें कॉल करते हैं जी आके इनको सही करें. तो वो मेंटेनेंस में, तो उस मेंटेनेंस की भी कॉस्ट होती है. तो वो आप उनके साथ मंथली या साइकिल वाइज के एक दफा जब आप जाएंगे तो उनसे कॉस्ट ले लेंगे, अगली दफा जब जाएंगे तो उनसे कॉस्ट ले लेंगे उसकी, या मंथली आप फिक्स कर लेंगे कि ये हमारी मंथली फिक्स है, आपको जब भी कोई इशू होगा हम उसको रिजॉल्व करेंगे. ये लास्ट पे डायग्राम है इसकी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की. रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम डिप्लॉयमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस और SDLC. तो आज के लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको कंप्लीट देख लिया है, कैसे ये वर्क करता है. लास्ट में डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है.